तुम्हारे जॉब का कोई सीन बना? अभी तक तो कुछ नहीं, जहाँ भी जाता हूँ वो लोग तजर्बा मांगते हैं और तजर्बा मेरे पास है नहीं। ये तो है, बहुत परेशान है। परेशान मत हुआ करो नुमान, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अच्छा लगता हूँ ना बहुत, तभी तो अपने डैड से छुपकर तुमसे मिलने चली आती हूँ। हाँ ये तो है। वैसे मेरे जहन में एक आइडिया है। वो क्या? तुम डैड के ऑफिस में जॉब क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे डैड के ऑफिस में? हाँ मुझे लगता है मुनासिब ही होगा। जानती हूँ, लेकिन मैं इसे मुनासिब बना दूंगी। मैं डैड से बात करने के बजाय असद भाई से बात करूँगी, वो डैड के मैनेजर है, देखना वो ये काम कितना आसानी से कर लेंगे। क्या वाकई? हाँ मैं कह रही हूँ ना, डैड को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है फिर कर लो बात। कर लूंगी, तुम टेंशन ही लिया करो, जल्दी करूंगी। मैं कुछ हेल्प करवा दूँ अंकल? देख लो बेटा, कहीं हारिब नाराज ना हो जाए। मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब वैसे काम तो हो चुका है काफी, तो मैं ऐसा करो बर्तन निकाल दो। जी अच्छा। आप क्या हुआ आंटी? तो बहुत खून बह रहा है, आप यहाँ आए? मैं पट्टी लेकर आती हूँ। काम भी आज ही होना था, इतना बहुत सा काम पड़ा, पहली बार दवाद आ रहा है खाने पे, कैसे हो गया ये सब? आप फिक्र मत करें आंटी, मैं कर लूँगी, आप कमरे में जाके आराम करें। कर दोगी? जी मैं संभाल लूँगी। जीते रहो, खुश रहो, बस वो बोल देख लेना बेटा फिर। जी हमदान बेटा बिस्मिल्लाह करो। अच्छा तुम लोग बेटा। और बताओ बेटा कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज? कामकाज? कामकाज नहीं आंटी, बिजनेस कहते हैं। बिजनेस जो भी है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि आजकल तो सबसे ज्यादा ग्रो मेरे बिजनेस कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। खाना कैसा लगा? अच्छा नहीं है। बड़े घर की लड़के को कहाँ अच्छा खाना बनाना आता? ये ट्राई करें। ये तो ठंडा हो रहा है। रिश्मा गरम करके लिया प्लीज। तुम कहो ना, तुम क्यों नहीं खा रही? तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया।